टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन एक ऐसा वर्ड है जो कहाँ से डिराइव हुआ है, रेप्लिका वर्ड से, जिसका मतलब होता है अदर कॉपी। क्या मतलब होता है अदर कॉपी, रेप्लिका का मतलब। इस डीएनए रेप्लिकेशन को अपन डुप्लीकेशन भी बोलते हैं। और ये क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डीएनए की, जिसकी हेल्प से, ये प्रोसेस के हेल्प से वो क्या करता है, एग्जैक्ट कॉपीज बनाता है खुद की। और यही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। क्या होता है इसमें, ये डीएनए खुद की एग्जैक्ट कॉपीज बनाता है। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन के तीन मोड्स होते हैं, एक होता है डिस्पर्सिव, एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है सेमी कंजर्वेटिव। डिस्पर्सिव की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ये हमें याद ही करनी पड़ेगी। सिंपल सी है कि इन दिस मोड ऑफ रेप्लिकेशन द पेरेंट डीएनए ब्रेक इनटू पीसेस एंड न्यू मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। इसमें क्या होगा, जो पेरेंट डीएनए वो क्या पीसेस में ब्रेक हो जाएगा और एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है, ये जो ओल्ड और न्यूली सिंथेसाइज होंगे। कंजर्वेटिव मोड में क्या होगा, जो रेप्लिकेशन है उसमें क्या होगा, एक तो जो पेरेंट डीएनए वैसी स्ट्रैंड बनेगी, लेकिन जो दूसरी स्ट्रैंड रहेगी वो बिल्कुल न्यूली सिंथेसाइज होगी। इसकी भी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इन दिस मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन वन डॉटर मॉलिक्यूल टू स्ट्रैंड्स आर प्रेजेंट एंड इन अदर डॉटर मॉलिक्यूल टू न्यूली प्रोड्यूस स्ट्रैंड्स आर प्रेजेंट। इन इसमें क्या, टू ओल्ड स्ट्रैंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ओल्ड स्ट्रैंड्स आर प्रेजेंट। सेमी कंजर्वेटिव ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। और इसमें क्या है, ये मोड में क्या होता है, आधा तो पेरेंट डीएनए रहेगा, एक स्ट्रैंड किसकी रहेगी, पेरेंट डीएनए की रहेगी दोनों में, और एक किसकी रहेगी, न्यू स्ट्रैंड रहेगी। अब हम थोड़ी प्रोसेस की बात करेंगे, ये कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, उसकी प्रोसेस। तो क्या है, दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के, वो क्या है यूनाइटेड, जो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड से बनी रहती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि वो दो हाइड्रोजन, वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टूट, उसको तोड़ेंगे, उनको अनविंड करेंगे, और जो न्यूक्लियस में जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो क्या न्यूक्लियोटाइड पूल बनाएंगे। न्यूक्लियोटाइड पूल बनेगा और फिर ये जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये पेयर करेंगे दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स से हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। और जैसे, और हमेशा याद रखना कि ATGC है ना, तो क्या हमेशा क्या एडिनिन जो रहेगा वो थाइमिन के साथ बनाएगा बॉन्ड, और ग्वानिन जो फ्री ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है वो पेयरिंग करेगा साइटोसिन के साथ, और ये इसी टाइप से क्या स्ट्रैंड बन जाएगी, ठीक है। अब हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि क्या रिजल्ट ऑफ रेप्लिकेशन इज फॉर्मेशन ऑफ टू डबल हेलिक्स ईच आइडेंट। जो रेप्लिकेशन का रिजल्ट रहता है उसमें क्या रहते हैं, जो दो स्ट्रैंड्स बनेंगी वो बिल्कुल आइडेंटिकल रहती है पेरेंट से। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो तीन मेजर फेजेस में डिवाइडेड है, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा, जो ये प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स रहेगा वो क्या करेगा, इनिशिएशन में ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करेगा और पेरेंटल स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेगा और उनको स्टेबलाइज करेगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। अब हम बात करेंगे ईकोलाई के में जो इनिशिएशन प्रोसेस है वो कैसे होती है। तो ईकोलाई में जो रेप्लिकेशन है वो सिक्स प्रोटीन्स के थ्रू होता है, डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, गायरेज और SSBP और डीएनए डी। SSBP मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब जो डीएनए बी रहता है, ये वाला डीएनए बी, ये क्या करता है, मेल्टिंग करता है, जैसे कि हेलिकेज एंजाइम मेल्टिंग करता है वैसे ही सेम डीएनए बी भी मेल्टिंग करता है। और जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है ये क्या करता है, स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करता है और रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है रेप्लिकेशन फॉर्क बनने के बाद। अब एलोंगेशन, सेकेंड पॉइंट है एलोंगेशन, और सेकेंड फेज़ है एलोंगेशन। इसमें क्या, ये कहाँ पे होता है, रेप्लिजोम में, जो कौन करते हैं प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस एज यूजल।
अब जैसे कि रेप्लीजोम मूव करेगा डीएनए के साथ, तो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स जो हैं सेपरेट होंगी और डॉटर स्ट्रैंड्स सिंथेसाइज होंगी। जैसे जैसे क्या हुआ ये यहाँ पे बात समझना कि जो रेप्लीजोम है वो जैसे जैसे डीएनए के साथ मूव करेगा तो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स क्या होंगी, सेपरेट होंगी और डॉटर स्ट्रैंड्स बनेंगी। थर्ड और लास्ट प्रोसेस फेजेस का टर्मिनेशन, ये एंड रेप्लिकेशन का नहीं, मतलब रेप्लिकेशन के एंड में टर्मिनेशन होता है। अब हम फिर से इसमें इकोलाई की बात करेंगे तो इकोलाई में टर्मिनेशन के टाइम जो टीआर एलिमेंट्स है वो सिग्नल फॉर्म करते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ टर्मिनेशन के लिए, और जो टीयूएस प्रोटीन है वो क्या टीआर एलिमेंट्स के साथ जॉइन या बाइंड होता है ताकि वो क्या कर सके, रोक सके अनविंडिंग को डीएनए की, जिसकी वजह से क्या है रेप्लिकेशन फॉर्क का मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। ठीक है, टीयूएस प्रोटीन किसके साथ बाइंड होता है, टीआर एलिमेंट्स के साथ।